वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में हमने स्क्यूनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, आज हम फुल फ्लैश क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, जैसे आपके पास में या फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो द कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए आपके पास में रिक्वायरमेंट किस किस चीज की है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपको निकालना है, तो आप इसमें मीन आपको चाहिए माइनस मोड, मीन माइनस मोड एंड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपको चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए आपको मीन भी चाहिए, मोड भी चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए। अब मीन कैसे निकालते हैं, तो बच्चे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपको मैंने इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो, कंटीन्यूअस सीरीज का लेस देन हो, कंटीन्यूअस सीरीज का मोर देन हो, कंटीन्यूअस सीरीज का मिड वैल्यू हो, कंटीन्यूअस सीरीज का इंक्लूसिव हो, हर स्थिति में आपको मीन कैलकुलेट करना सिखाया है। बस उसी प्रोसेस से आपको यहाँ पर मीन निकाल लेना है। यह आप देख पा रहे हैं कि कंटीन्यूअस सीरीज का एक्सक्लूसिव पार्ट है, तो यहाँ पर आप मीन किस तरीके से निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले आप यहां पर मिड वैल्यू लेंगे इसका, जिसको हम एम बोलेंगे, आप साथ साथ करते रहिए अगर आप समझ गए तो। तो मिड वैल्यू यहां पर 70 और 80 के बीच की वैल्यू 75 आएगी। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो दोनों को सम करें और डिवाइड बाय 2 करें। सब में टेंडन गैप है तो टेंडन गैप ले लीजिए, ले लीजिए 85, 95, 105, 115, 125, 135। ये मिड वैल्यू है। उसके बाद डायरेक्ट मेथड ही लगा दो बच्चे, कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत लंबा चौड़ा इसमें करो। एफएम करेंगे, वैसे तो आप यहां से डी ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय सी कर सकते हैं, बहुत कुछ है आपके पास में, बट डायरेक्ट ही मेथड कर दो, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर है, इतना इश्यू नहीं आएगा। 75 मल्टीप्लाई बाय 12, 900, 85 मल्टीप्लाई बाय 18, 85 मल्टीप्लाई बाय 18, 1530, 95 मल्टीप्लाई बाय 35, 95 मल्टीप्लाई बाय 35, 3300, 25, 105 मल्टीप्लाई बाय 42। आप शॉर्टकट मेथड स्टैंडर्डाइजेशन मेथड लगा सकते थे, थोड़ा सा डेटा छोटा हो जाता है, बट उससे फर्क क्या पड़ता है, आपको खुद कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेटर से करना है। तो इसलिए आप स्टेप्स को ना बढ़ाते हुए आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर दीजिए। 5750, 125 मल्टीप्लाई बाय 45, 5625, 135 मल्टीप्लाई बाय 20, 2700, 145 मल्टीप्लाई बाय 8, 1160। FM आ गया। अब समीशन मीन कैसे किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए मीन निकालेंगे तो समीशन FM अपॉन समीशन F, डायरेक्ट मेथड। तो सॉल्व करते हैं, 900 प्लस 1530 प्लस 3325 प्लस 1410, 4410, 5750 प्लस 5625 प्लस 2700 प्लस 5750 प्लस 42 प्लस 50 प्लस 45
35 + 42 + 50 + 45 + 25 + 20 + 8, 230। मीन कैलकुलेट करेंगे 25400 / 230। +9 + 1530 + 3250 + 4410 + 5750 + 5650 + 5620 + 1160 400। कहीं मिस्टेक करी है बच्चे, हमने देखना पड़ेगा एक बार। 12 × 75 = 985 × 18 1530 95 स्टिक पकड़ में नहीं आ रही है। सही तो आ रहा है। ठीक है, हमारा यहाँ रिजल्ट आएगा 110.43। मीन आ गया बच्चे आपका। अब आपके पास और क्या चाहिए? आपको एक चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन और चाहिए एक आपको मोड। तो मोड आप किस तरीके से निकालते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन का तरीका क्या आपके पास में? एक्स का आप स्क्वायर कर दो। स्टैंडर्ड डेविएशन का तरीका आपके पास में, तो एक आसान तरीका आपके पास में ये भी था, स्क्वायर आपका लंबर डिजिट पड़ेगा। आप यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड भी आप अप्लाई कर सकते थे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। देखो कैसे, ये ठीक है, इससे भी आ जाएगा। आप इसका एक्स स्क्वायर करो, फिर इसके बाद उसमें से मीन माइनस कर दो, वो तरीका ठीक है स्टैंडर्ड डेविएशन का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूं जिससे कि थोड़ा सा डेटा आपका छोटा पड़ेगा। देखिएगा, एम एन आपके पास पे, एम को थोड़ा छोटा कैसे कर सकते हो आप? एम में से कोई एक नंबर माइनस कर दो और डिवाइड बाय सी कर दो, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, आप यू कॉलम आप बोल सकते हैं।
तो एम में से ए को भी माइनस कर दो, मिड नंबर ले लो, जैसे लाइक 105 आपने लिया, तो इसमें से 105 आप माइनस कर दें 75 में से, तो 75 में से 25 और आपके पास है 5, 30 माइनस का, इसमें से माइनस कर दिया 105, तो 15, 20, 10, 0, और डिवाइडेड बाय सी भी करेंगे आप, चल सी भी बता देता हूं मैं, माइनस 105 करेंगे 10, 20, 30 और 40, बट डिवाइडेड बाय सी, सी क्या लो आप यहां पर, ये एम माइनस ए है, अब एम माइनस ए अपॉन सी ये ले लो, यू सी की जगह 10 ले लो, तो माइनस का 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, 4, ये आपके पास में हो सकता है। अब आपके पास में, अब एफ से मल्टीप्लाई कर लो, एफ यू निकाल लीजिए, एफ यू आप निकालेंगे माइनस 36, 18 दुनी 36, माइनस 35, 0, 50, 90, 60 और आपके पास में 8 चौक 32। तो आपने यहाँ पे स्टेप डेविशन मेथड यूज करा है, तो मीन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस समीशन एफ यू अपॉन, या एफ डी भी बोलते हैं इसको, समीशन एफ इंटू आपने जो इंटरवल लिया है सी, तो एक्स बार इक्वल्स टू ए, क्या लिया है आपने बच्चे, ए लिया है आपने 105 प्लस समीशन एफ यू, थर्टी टू प्लस 60 प्लस 90 प्लस 50 माइनस 35 माइनस 36 माइनस 36, कितना है हमारे पास में 125 अपॉन समीशन एफ, समीशन एफ हमारे पास में क्या है 230 इंटू आई 10, 150, 1250 डिवाइडेड बाय 230, 5.43, 1.43, स्टेप डिवीजन मेथड हो गया आपका 110.43। क्लियर है बच्चे? तो आपके पास पे एफ यू आ गया, और यहां पर आप देखेंगे और एक आप और भी एक काम कर सकते हैं, आप यहां पर एफ यू स्क्वायर ले लीजिए, क्योंकि आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, अंडर रूट समीशन एफ यू स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर और इनटू जो आपके पास में सी है, ये अप्लाई करेंगे। मैंने क्यों फॉर्मूला चेंज कर दिया, क्योंकि जब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहा था ना, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, उसका स्क्वायर करना पड़ता, एक्स स्क्वायर होता है ना, एक्स स्क्वायर करना पड़ता, फिर उसको कितने बड़े स्क्वायर होते, 105 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, बड़ा बड़ा नंबर आ जाता उसका, फिर मुझे उसका एफ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो एक तो फिर मेरे मुझे जो है एक एक्स स्क्वायर का एफ एक्स स्क्वायर का सम करना पड़ता, फिर उसके बाद मुझे मीन माइनस करना पड़ता, वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता, पर कोई बात नहीं, वैसे भी कर लीजिए आंसर वही आएगा, ऐसे कर लीजिए आंसर वही आएगा आपके पास में। तो एफ यू स्क्वायर में एफ यू तो है, इसको बस आपको क्या करना है, यू से मल्टीप्लाई करना है, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 3, 108 पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां पे 72, यहां पे 35, 0, 50, 180, 180 और 120, 124, 128 सॉरी। अब आप समीशन एफ स्क्वायर करेंगे 108 प्लस 72 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 128 सॉल्व करेंगे 753। अब आपने फॉर्मूले अप्लाई करें स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए,
क्या स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा आपका, समीशन एफ यू स्क्वायर, तो 753 230 माइनस समीशन एफ यू, तो समीशन एफ यू कितना आया था हमारे पास में 125। वही चीज मीन वाला इसमें यूज हो रहा है ना, तो मुझे बार बार नहीं कैलकुलेट करना पड़ा, इसलिए बच गया थोड़ा। अपॉन में समीशन एफ 230 का स्क्वायर इंटू सी 10। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला आपने 753 डिवाइडेड बाय 230 3.27 माइनस 125 डिवाइडेड बाय 230 इंटू स्क्वायर 125 डिवाइडेड बाय 230 0.54 का स्क्वायर 0.54 इंटू 0.29 3.27 माइनस 0.2916 इंटू 10। आगे सॉल्व करते हैं, 3.27 माइनस 0.2916 2916 रूट इंटू 10 तो 17.25 ये आपका क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ठीक है बच्चे, आप देखिएगा मोड निकालेंगे आप तो फ्रीक्वेंसी में जाइए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ नजर आ रही है आपको, ये 50। इस इंटरवल को आपने क्या करा, सेलेक्ट कर लिया। मोड निकालेंगे तो इस इंटरवल को आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये आपके पास में F1 हो गया, ये आपका F0 हो गया, ये आपका F2 हो गया। तो मोड के लिए क्या करेंगे आप, मोड के लिए आप करेंगे एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई इंटरवल। क्लियर है बच्चे, तो यहां से आप अपना, प्रिया बता रहा हूं अभी मैं, रुक तो जाओ, एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। अब सॉल्व करेंगे L, तो L इसमें लोअर लिमिट की 110 प्लस एफ वन के आपके पास है 50 माइनस एफ जीरो के आपके पास है 42, 2 इंटू एफ वन 50 माइनस एफ जीरो 42 माइनस एफ टू 45 इंटू 10, तो 110 प्लस ऊपर आपके पास में 8 आ गया और यहां पर आपके पास में 100 माइनस 87 13, ये 80 हो गया 10 से मल्टीप्लाई करके। सॉल्व करेंगे इसको हम, एटी डिवाइडेड बाय 13 तो 116.15 मोड हो गया। अब आप अपना निकालेंगे कार्ल पियर्सन में मीन, मीन कितना आया था आपका 110.43 और माइनस मोड कितना आया आपका 116.15 और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 17.25। क्लियर है,
तो आपका रिजल्ट क्या आया? -0.33, ये आपका आंसर रहा। तो कुछ नहीं करना था इसमें, आपने मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन पहले सीखा हुआ था वो वैसे निकाल लिया, लेकिन मीन निकालने के तरीके में जरा ध्यान रखिएगा। मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड क्यों यूज करा, मेरे लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आसान हो गया क्योंकि एफ यू का यूज मैंने कर लिया इसी में, इसका यूज स्क्वायर कर लिया तो मेरे लिए इजी रहा। तो आप भी ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास डेटा बड़े आ रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से जाइए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब यहां तो भैया मिड वैल्यू आ गई जो हम निकालते थे, लेकिन आपको मोड निकालने में तो मिड वैल्यू का, मिड वैल्यू ठीक है आपके मीन के परस्पेक्टिव से बेटर है, लेकिन जब आप मोड निकाल रहे हो तो क्या करोगे? जब आप मोड निकाल रहे हो तो उसमें तो आपको इंटरवल चाहिए होता है, कंटिन्यूस कंटिन्यूस सीरीज है, तो इंटरवल कैसे निकालेंगे? तो मैं यहां पर एक्स डेटा की बात करता हूँ, गैप कितने कितने का आ रहा है देखिएगा, तो 8 और 4 12 का गैप आ रहा है, यहाँ गैप कितने का आ रहा है 12 का, 12 सब में गैप इक्वली होता है, 12 का गैप आ रहा है, तो 12 का जो गैप आ रहा है इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो कितना हो गया आपके पास में 6 हो गया, तो इसमें से 6 माइनस कर दो तो 6 आएगा, इसमें 6 ऐड कर दो तो क्या जाएगा आपका 18। अब वापस आप चला दो वही जो आपके पास में 18, 6 माइनस कर दोगे 18, 6 प्लस कर दोगे 30, तो आप इस चीज को देखिएगा 12 12 गैप चलाते रहिए कोई दिक्कत नहीं है, 30 12 गैप 42 42, 12 का गैप दे देंगे आप तो 10 का 52 54 54, 12 गैप दे देंगे तो 66 66, 12 का गैप दे देंगे 78 78, 12 का गैप दे देंगे 90, ये आपका एक्स आ गया। अब आपके पास मिड वैल्यू है तो मिड वैल्यू को भी अगर आपको स्मॉल करना है तो आप एक काम यू ले लेंगे, यू कैसे आएगा आपके पास में, एक काम कीजिए एक्स माइनस या फिर मिड वैल्यू माइनस ए अपॉन सी, ए क्या लेना चाहेंगे बीच वाला कोई टर्म ले लीजिए 3 से 3 ऊपर, ठीक है ये ले लिया ए 48, 48 माइनस कर दीजिए, और आपके पास में सी क्या ले लेंगे, सी देखिए क्या आता माइनस करके 12 में से आपका 48 माइनस करेंगे तो आपके पास में आता है 6 और 1 3 36 माइनस का, यहां करेंगे तो माइनस का 24, 12 से सब कुछ सारे 12 के मल्टीपल में आएंगे, यहां पर 48 माइनस करोगे तो आपके पास में 2 और 1 12 माइनस का, यहां पर आप माइनस करोगे 48 जीरो, 48 माइनस करोगे 12, 48 माइनस करोगे 24, 48 माइनस करोगे 36। अब आपके पास में यू निकाल रहे हो तो सी से डिवाइड करना पड़ेगा, सी क्या सबके सब 12 के मल्टीपल है ना, 12 से कर दो -3 -2 -1 0 1 2 3। अब आप अपना एफ यू ले लीजिए, एफ यू लेने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। हो जाएगा बच्चे अब आपको मीन मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा और कोएफिशिएंट सब कुछ निकल जाएगा आपके पास पे, क्लियर है? कोई डाउट है किसी बच्चे को? तो आप एफ यू लेंगे तो एफ यू में आपके पास में फ्रीक्वेंसी 8 है और ये 3 है, तो -24 -28 -18 0 30 40 30, समीशन करेंगे इसका एफ यू का तो 70 + 300 - 18 - 28 - 24 30, तो कितना है हमारे पास में 30। तो सॉल्व करते हैं, मीन निकालते हैं, तो ए प्लस समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ इनटू सी, तो एक्स बार इक्वल्स टू ए क्या लेट कर रखा है आपने 48 प्लस 30 एंड आपके पास है फ्रीक्वेंसी का सम कितना आएगा 8 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 36 प्लस 50 प्लस 10 136 मल्टीप्लाई बाय आपके पास में सी, सी क्या लिया था आपने, किसे डिवाइड करा था आपने सबको 12 से, 12 सॉल्व करेंगे आप 360 डिवाइडेड बाय 136 48 प्लस 2.64 प्लस 48 50.64, ठीक है आपके पास में आ गया।
आगे आप सॉल्व करेंगे इस बच्चे को, इस क्वेश्चन को, मीन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो आपको एफ यू स्क्वायर भी चाहिए, तो आपके एफ यू तो है, यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 और 12 72, 28 दूनी 56, 18 0 30 80 और 90। सॉल्व करेंगे आप, 72 प्लस 56 प्लस 18 प्लस 110, ये कैलकुलेटर का चेंज करूंगा मैं, जीरो हो जाता है एकदम से, 72 प्लस 56 प्लस 18 प्लस 80 प्लस 30 प्लस 90 346। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे बच्चे आप, ये निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू समीशन एफ यू स्क्वायर अपॉन में समीशन एफ माइनस समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर इनटू उसी। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन एफ यू स्क्वायर 346 अपॉन एफ वन 36। माइनस एफ यू स्क्वायर 346 का होल स्क्वायर इंटू सी। सॉल्व करेंगे, 3 346 डिवाइडेड बाय 136, 2.54 माइनस 346 डिवाइडेड बाय 136। समीशन एफ यू, एफ यू क्या था हमारे पास में, एफ यू हमारा 30 था ना, हाँ ये 30 है बच्चे, 30 डिवाइडेड बाय 136 इंटू स्क्वायर 0.048। सॉल्व करेंगे, 2.54 माइनस 0.048 रूट 1.57, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। क्लियर है बच्चे, तो मीन निकाले, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, मोड वैसे निकाल लोगे आप जैसे निकालते हैं, मोड में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है, 36 है, तो ये इंटरवल है आपके पास में दिस वन, तो मोड निकाल लेंगे अब आपका हो जाएगा। यहां पे मुझसे जो डाउट पूछ रही है एक बच्चे, सर आपसे एक चीज पूछनी थी कि हम रेगुलर स्टूडेंट के गाइडलाइंस में मेंशन्ड है कि मीन डेविएशन में बाय टेकन अप थ्रू द डायरेक्ट मेथड ओनली, तो मतलब कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट से नहीं करना हमको डिस्पर्जन में। बच्चे डायरेक्ट मेथड अलग होता है और टाइप्स ऑफ सीरीज डिफरेंट चीज होती है, आप चाहे डायरेक्ट मेथड से करो, चाहे आप स्टेप डेविएशन से मेथड से करो, चाहे आप शॉर्टकट मेथड से करो, ये आपका इंडिविजुअल सीरीज पर भी तीनों मेथड अप्लाई होते हैं, तीनों डिस्क्रीट पे भी होते हैं, तीनों कंटिन्यूस सीरीज पे भी अप्लाई होते हैं। क्लियर है, एग्जाम में जनरली देखने को मिलेगा आपको ना, तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा जैसे सामने क्वेश्चन है, कोई मेथड मेंशन नहीं है तो कोई भी मेथड मेंशन नहीं होगा। अब अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है मेथड, उस मेथड का आप यूज कर लीजिए, आपके आंसर पे कोई भी फर्क नहीं आता है उससे। क्लियर है, बाकी जो मेथड का नाम बता रहे हैं तो तीनों इंडिविजुअल सीरीज में भी तीनों मेथड होते हैं, डिस्क्रीट में भी और कंटिन्यूस में भी होते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज पे सवाल आएगा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सवाल नहीं आएगा, इस तरीके से कोई भी सवाल आ सकता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवा रहा हूं मैं आपको। क्लियर है बच्चे, कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज पूछेंगे।
देखिएगा बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाउलिंग कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस। इस स्थिति में आपके पास एक इंडिविजुअल सीरीज है, वही सेम अलग मेथड है, स्क्यूनेस ही निकाल रहे हैं बट एक अलग मेथड से निकाल रहे हैं, तो वही मेथड मेंशन हो सकता है आपके पास में। आपका 25 है, 20 है, 15 है, 45 है, 18 है, 7 है, 10 है, 38 है एंड 12 है। ठीक है बच्चे, ये डेटा है, इसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं, यहां फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो यहां पर आपको स्क्यूनेस निकालना है। स्क्यूनेस क्या होता है बेसिकली, ये कॉफिशेंट और बाउली। तो फॉर्मूला क्या होगा आपके पास में, Q3 प्लस Q1 अपॉन Q3 माइनस Q1। ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बस क्या करोगे प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीडियन। तो आपको मीडियन भी चाहिए, मीडियन बेसिकली क्या होता है, Q2 होता है। मीडियन किसे कहते हैं हम, Q2 को बोलते हैं। खैर मीडियन निकालना आपको आता ही है, सॉरी माइनस होगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीडियन। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा बस। अब सबसे पहले कि आपके पास में Q1 क्या होता है, आप है ना क्वार्टाइल्स निकालना सिखाया था, Q1 Q3 Q2 Q4 एक बार देख लीजिएगा मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी में, आपको फिर वहीं से समझ में आएगा। या फिर भी बता देता आपको पहले Q1 आपका कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आपका आएगा साइज ऑफ Q1 जो कि क्या होता है आपके पास में क्वार्टाइल 1, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म। साइज ऑफ Q1 एन, एन क्या आपके पास में, एन आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लस 1 डिवाइडेड 4, हाँ जी देखिएगा जरा, साइज ऑफ Q1 इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे 10 अपॉन 4 थर्ड टर्म, टर्म सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2.5। क्लियर है, 2.5 टर्म आपके पास में आ जाएगा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लस 1, तो 2.5 टर्म आ गया। तो 2.5 टर्म आपका कहां पर आएगा, ये आपके पास में होगा बच्चे सेकंड और थर्ड टर्म, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। तो सेकंड टर्म कौन सा है, 20 Q1 निकालोगे 2 प्लस 0.5 थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, आपको याद होगा ये क्वार्टाइल्स में। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको आप, Q1 इक्वल्स टू 2 प्लस 0.5 1 2 3, अच्छा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना इसको आपको पहले, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे लीस्ट कौन सा है, इंडिविजुअल सीरीज है तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे आप, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें सबसे लीस्ट कौन सा है इसमें से, डेटा में से आपके पास में 12 10 12 12 क्या आपका है 18 20, और उसके बाद आपके पास में 20 के बाद, अच्छा 12 के बाद था आपका 15 18 20 15 18 20, अब बचा क्या आपके पास में 38 45 25 25 38 45, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपके पास में पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, अब आप देखेंगे यहां पर 1 2 3, तो थर्ड टर्म क्या है 12 माइनस 10,
तो Q1 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 आंसर आएगा। क्लियर है बच्चे? Q1 की वैल्यू क्या है आपके पास में? 3। तो क्वार्टाइल आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि क्वार्टाइल किस तरीके से निकालते हैं, तो चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाएंगी। फॉर्मूला तो दे दिया मैंने, बट एक बार आप क्वार्टाइल को जरूर रिवाइज करें। पहले असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करा, फिर सेकंड टर्म, हाँ सॉरी, सेकंड टर्म कौन सा आपका? 10, 11। तो Q1 निकाल लोगे। इसी तरीके से Q3 के लिए क्या करेंगे आप? n+1/4 × 3। Q3 निकाल लेंगे तो 3 × 2.5, और सॉल्व करेंगे 6 और 7.5, और 7.5 के लिए भी यही करेंगे आप। सेवंथ टर्म जो आपने फॉर्मूला अप्लाई करा, +0.5 एंड 8 − 7, यही करेंगे ना। और सेवंथ टर्म क्या आपके पास में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 + 0.5। एट्थ टर्म क्या आपके पास में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 38 − 25। तो 5 और 8 13, सॉल्व करेंगे 25 + 13 का आधा 6.5, तो 25 और 6 31.5। तो Q3 क्या है आपका? 31.5। क्लियर है बच्चे? मीडियन कैसे निकालेंगे? n/2, n+1/2। मीडियन का मतलब क्या होता है? चलिए मीडियन के लिए पहले साइज ऑफ मीडियन निकालेंगे आप। साइज ऑफ मीडियन n+1/2। मीडियन बेसिकली क्या होता है आपका? Q2 होता है, ध्यान रखिएगा। तो आपके पास में नो टर्म था 10/5। फिफ्थ टर्म तो आप मोटा मोटा बता सकते हैं कि कौन सा होगा मीडियन में। फिफ्थ टर्म क्या होगा आपका? 1, 2, 3, 4, 5, 18। मीडियन 18 आ गया। अब फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर सकते कि आपका Q3 आपके पास में दे दिया मैंने, ठीक है बच्चे? Q1 आपके पास में है और 2 मीडियन Q3 − Q1, कैलकुलेट कर लेना आप। समझ में आ गया आपको? इसमें तो इसमें कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं क्वेश्चन ये निकालना है, तो डिस्क्रीट सीरीज में आप किस तरीके से निकाल? डिस्क्रीट सीरीज वगैरह तो ज्यादा आसान होते हैं, क्योंकि आप कभी भी Q1, Q3, Q4 निकालते हैं तो F का क्या कर देते हैं? F का CF कर देते हैं। सिंपल है, 15, 20, 35, 15, 50, 68, 70 और 80 F कर देते हैं। और आप साइज, अब समीशन ऑफ F कर देंगे पहले आप, तो कितना? 12, 18, 30, 30, और ये दो 50, और ये 60, 65, 70 और 80। तो आपके पास में Q1 के लिए क्या निकालेंगे आप? n+size of Q1 निकालेंगे पहले। size of Q1 देखिए, ये सब पहले सिखा चुका हूं, जल्दी जल्दी बता रहा हूं। size of Q1 क्या होता है हमारा? n+1/4th term। n हमारा क्या है? 80, 81/4th term। 80 तो हो जाता है 20 और 1 हो जाता है 0.25, ठीक है? तो 20.25, तो 20.25 किसमें आता है? इसके अंदर आता है ना। तो अब डेटा कौन सा हो गया? 5। तो Q1 = 5। इसी तरीके से Q3 अगर आप निकालते हैं, यहां तो बहुत आसान हो जाता है। Q3 तो क्या होता है? 3 upon n+1/4th term। साइज निकाल रहे हो पहले आप, तो क्या हो गया आपके पास में? 3 × 20.25, तो 60.75। तो 60.75 कहां से आएगा आपका? 60.75 आपके पास में आएगा ये रहा, इसमें 11। तो Q3 = क्या है आपका? 11। एंड मीडियन के लिए क्या निकालोगे? Q2, जो कि क्या होता है आपका? मीडियन। तो क्या करोगे आप? पहले साइज इसका निकालोगे, n+1 80, 81/2 विथ टर्म 40.50। तो 40.50 पे क्या आता है? दिस वन 7। तो मीडियन इक्वल्स टू क्या आया आपका? 7 हो जाएगा बच्चे। डिस्क्रीट सीरीज में कोई डाउट? कॉन्टिन्यूस सीरीज भी सिमिलर ऐसे ही जाएगा आपका। एफ का क्या करना पड़ेगा आपको? पहले सी एफ करना पड़ेगा, 11 और आपका 9, 29
और 25, 30 और 25, 55, 54, 8 4 12, 7 और 1 8, आपके पास में 2 8 3 11, 3 5 और 3 4 1, 2 7 और 2 6 और 1, 5 7 12, 1 7 और 1 8 और 1, 2 7 और 2 10 और 1 2, 210। ये सीएफ निकाल लिया आपने, पर ध्यान रखना है यहां पर आप कैसे निकालोगे। साइज ऑफ क्यू वन का फॉर्मूला एन प्लस वन नहीं होता, सिर्फ एन बाय फोर्थ टर्म होगा, प्लस वन यहां पे नहीं लगता है टर्म। अब आप समीशन ऑफ एफ निकाल लीजिए, समीशन ऑफ एफ कितना आएगा आपके पास में, 11 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 33 प्लस 22 प्लस 15 प्लस 22, 204। डिवाइड 4 फोर्थ टर्म, सॉल्व करेंगे, 4 5 4 4 51 टर्म, तो 51 टर्म कौन सा आ गया, 51 इसमें आता है ना, और अपने डेटा पे जाइए दिस वन, क्लियर है बच्चे। तो यहां पर आपके पास में ये आपका कंटिन्यूस सीरीज है, तो क्यू वन कैसे निकालोगे आप, एल प्लस एन बाय फोर्थ टर्म कंटिन्यूस सीरीज में, क्लियर है बच्चे, माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। अब देखिएगा आपके पास में L क्या है इसका, 20, N बाय फोर्थ ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 51 माइनस सी एफ, तो आपके पास में सी एफ क्या है, ये जो है ना आपका इंटरवल, इसके ऊपर वाला सी एफ होता है, तो 29 अपॉन एफ, एफ 25 और इंटू आई, इंटरवल ने गैप कितने का 10 का, क्लियर है बच्चे। सब सीख लीजिए, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी सीख लेंगे तभी आपसे हो पाएगा। तो इसी तरीके से आप सारी चीजें निकाल सकते हैं ना। आप कह रहे हैं कैलकुलेट द बॉली कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग द क्यू वन दिया हुआ है, क्यू टू दिया हुआ है, क्यू टू मीन्स क्या होता है आपका मीडियन, एंड क्यू थ्री दिया हुआ है, तो आप निकाल लेंगे, डायरेक्ट मेथड है, इसे कुछ नहीं करना आपको, गिवन है डायरेक्ट, यहां पर भी आप निकाल सकते हैं। आपके पास में देखिए मोड और मीन दिया हुआ है, मोड और मीन दिया हुआ है आपके पास में, तो ये चीजें आपके लिए आसान है, क्लियर ना। कल फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको मोड और मीडियन के बीच रिलेशन का, यहां से आप क्या निकाल लोगे, इसके रिलेशन से मीडियन कैलकुलेट कर लोगे, बताइए जरा, कर लेंगे आप मीडियन कैलकुलेट यहां से, और उसके बाद आपके पास मीडियन आ जाएगा, और मीडियन मतलब कि क्यू टू, और आपके पास से बाकी चीजें सम ऑफ टू क्वार्टाइल, सम ऑफ टू क्वार्टाइल दिया हुआ है आपके पास में, एंड डिफरेंस ऑफ टू क्वार्टाइल्स इज 8, तो बेसिकली क्या है, क्यू वन प्लस क्यू थ्री गिवन है और इनका डिफरेंस दिया हुआ है बेसिकली आपका, तो हो जाएगा आपके पास में। तो इस तरह के क्वेश्चंस अब आपके कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, तो आज बावली भी फिनिश हो गया, कर्टेसिस लास्ट टॉपिक आपका रह गया है, जिसको हम नेक्स्ट क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।